दिखाई दे रहा बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 420 झूठी बात कर रहा है, क्या कह के बच रहा है। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, आप बोल चुके हैं, आप देख चुके हैं झूठी चीज कर रहा है, साधु है, कामगार बंदा है, नकली बात है, नकली चीज कर रहा है, ये बोलोगे ये समझेंगे ये लोग बच्चे। चोर हूँ, डकैत हूँ, 420 हूँ, क्या बताओ, 420 हूँ, 420 हो, क्या लगूंगा, 420 हो, तो मुझे समस्या यही है कि इस देश के अंदर एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। मैं नीचे चला जाता हूँ, मैं एक मिनट नीचे चला, मैं आ रहा हूँ, मैं मैडम आपके पास माइक नहीं है, रुकिए रुकिए अभी तो बोलने दीजिए, माइक बोला ही नहीं कुछ भाई साहब, मैं माइक लेके आ रहा हूँ, क्या जवाब है इस सवाल का, फ्रॉड है और आचार्य विक्रमादित्य फ्रॉड है या कामरान मलिक का तख्ती लगाने के बाद आप इन्हें फ्रॉड कह रही हैं? जी फ्रॉड है, अभी तो तख्ती लेके खड़े हुए थे, मुसलमान बन के खड़ा, आजकल चल ही नहीं रहा, अच्छा बुरखा ओढ़ के आ गए, भीख मांग रहा है, जब उनकी आईडी पहुंची तो वो हिंदू निकले, और कौन बोलेगा, कोई बोलना चाहता है, आप बोलिए सर। सर ये कावड़ के वक्त पे चल रहा है, 17 साल से हमारी एनजीओ मुस्लिम भाई कावड़ का कैंप लगा रहे हैं, हम लोग मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, आज तक हमसे किसी ने पूछा आप हिंदू हो मुसलमान हो, ना हमने पूछा, आंख बंद करके काम कर रहे हैं, जो आ रहे हैं समझ लीजिए अपने धर्म के लिए आ रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, ये धर्म को बांटने की एक राजनीति हो गई, क्या सेब केला आम क्या उसमें वेज नॉन वेज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो अगर लगाना था होटल पर लगाना था, वेज क्या है नॉन वेज क्या है वो पूछना था, ये कहना था भाई आप नॉन वेज नहीं बेचोगे, बात खत्म हो जाती है। मैं फिर आऊंगा ऑडियंस के, अच्छा आप बोल दीजिए। सर मेरा एक सवाल है, हॉस्पिटल में जो ब्लड डोनेट किया जाता है जब उस पे तो जाति विवाद कोई मुस्लिम या हिंदू पूछा नहीं जाता। बिल्कुल, मैं आपको ताली बजा दीजिए इनकी बात पर, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कांवड़ के लिए लागू था, और जब कांवड़ में कांवड़िया होता है तो वो एक अहद में होता है, वो एक परहेज में होता है, उनके नियम कायदे होते हैं, ये केवल उन नियम कायदे को लेकर के बात थी, और ये आदेश जब तक लागू था जब तक सिर्फ कांवड़िया यात्रा चल रही है, उसके बाद ये आदेश लागू नहीं था। तो कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी बात भाई ने कही आचार्य विक्रमादित्य जी। सवाल यह है कि हम मामले को भटकने ना दें, हम मैसेज को भटकना ना दें, क्योंकि आप मेरे साथ मुजफ्फरनगर भी गए थे और वहां हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम सब आपसी भाईचारे के साथ रह रहे थे। ऐसे में शुद्ध वैष्णव भोजनालय जो होता है उसमें खाना बनाने वाला अगर व्यक्तिगत तौर पर नॉनवेज खाता है तो इसका भी पता आप कैसे लगाएंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, उसके लिए बातचीत तो सबसे पहली चीज होती है विश्वास, और विश्वास को डगमगाया कैसे गया, हमारे जो को जो वीडियोस दिखे, हमारे को जो लेक्चर सुनने को मिले कि जिसके अंदर लगातार तथाकथित तौर पर थूक लग के खाना मिल रहा था और अनेक विष्ठा वाला भोजन मिल रहा था, एक के बाद एक केस चल रहे थे और उनके बाद एक वातावरण बिगड़ गया। कोई नहीं कर सकता, हिंदू कर सकता ना मुसलमान कर सकता, क्या बुद्धि, कोई भी नहीं कर सकता, हिंदू कर सकता ना मुसलमान कर सकता, और मुसलमानों में तो बाकी आ गए, मैंने देश की विडंबना रही है, मैं समझने का प्रयास किया, बाकी आ गए पिछले 1000 सालों से इस देश के तथाकथित बुद्धि जीवी वर्ग ने सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए जो समर्पण किया है वही हिंदुओं की गर्दन कटवाया है, वही सनातनी की गर्दन कटवाया है, और वही गर्दन आज भी कटने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि यहां पर सबसे पहले इस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि जो न्याय जो कार्य किया गया था उसमें कहां लिखा गया था कि आप जाति लिखें, कहां हिंदुओं के लिए अलग था, कहां मुसलमानों के लिए अलग था, एक व्यवस्था सबके लिए बनाई गई, और यहां तक नहीं कहा गया, सुनिए, यहां तक नहीं कहा गया कि आप दुकान का नाम बदले, आपका नाम अगर मुसलमान की दुकान खोली है उसका नीलकंठ नाम रखा है, रखे केवल नाम पे अपना नाम लिखने की प्रोपराइटर कौन है? आप मुझे बताइए कि आप डायरेक्टर कंपनी के बनते हैं, प्राइवेट लिमिट कंपनी बनते हैं, उसके अंदर भी डिस्क्लोजर देते हैं वो भी बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं वो भी बंद कर दीजिए, आप मुझे बताइए पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, इलेक्शन के टाइम इलेक्शन के समय नेम प्लेट लगती है वो भी बंद कर दीजिए ना, वहां लिख दीजिए खाली कि व्यक्ति जो है, यहां जाति की बात नहीं की गई, लेकिन इस देश के विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया, जाति 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 हिंदू सनातन पद्धति के अंदर कहीं जाति का उपयोग नहीं किया गया, मुझे बताइए भगवान कृष्ण के नाम के आगे क्या यादव लिखा हुआ था क्या, मुझे बताइए युधिष्ठिर के आगे क्या सिंह लगा हुआ था क्या, मुझे बताइए इस देश के अंदर कहीं भी इस प्रकार का उपयोग किया गया, बिल्कुल नहीं उपयोग किया गया, देश के अंदर हमारे समाज उमेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, ठीक है उमेशानंद महाराज जी, सिर्फ व्हाट्सएप पे मिली कुछ क्लिप्स के आधार पर क्या आप उन मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देंगे जो 90% कांवड़ बनाते हैं, जो उस रास्ते में आने वाले कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य कैंप्स लगाते हैं, क्या उनको भी आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? देखिए
व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी ऐसी चीजें दिखाई गई, और अगर कोई न्यूज चैनल इस प्रकार की वीडियो दिखाता है तो एक प्रमाणिक तथ्य लगता है। अगर कोई ऐसी घटना घटी है, मान लीजिए हम आपके शो के अंदर आया, आपने हम सबका परिचय कराया, ठीक है भैया, परिचय क्यों कराया भैया, आप मुझे कामरान भी बोल सकते थे, लेकिन मेरा नाम तो उमेश आनंद है, तो मेरा जो नाम है आपने बताया, मैं तो केवल इतना प्रश्न करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है, भैया मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ, ठीक है, एक मुसलमान भाई ने वहां पर व्यवस्था की हुई है, अच्छी बात है, वो कर रहा है, भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है, कर रहा होगा, लेकिन ऐसी ही घटना है कि कोई कावड़िया वहां जाता है इस पवित्र मास के अंदर, पवित्र होकर कावड़ लेकर आता है, और कोई मुसलमान इस प्रकार की वहां घटना कर दे, तो फिर उसकी पवित्रता क्या रह जाएगी? हमारा प्रश्न केवल इतना है, जिसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। सीन।